मैं भी पतंग उड़ा पाता। पापा? हाँ, पापा से बात करता हूँ, वो जरूर मुझे एक पतंग दिलवाएंगे। बेटा क्या हुआ, सब ठीक है ना? मुझे पतंग उड़ानी है, क्या आप मेरे साथ पतंग लेने चलेंगे? बेटा अभी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और कल तो घर में मेहमान आएंगे। पर पापा मुझे आज उड़ानी थी पतंग। बेटा मेरी तबीयत सच्ची में अच्छी नहीं है, अब मैं क्या करूं? अच्छा, फिर मम्मी कब आएगी? वो होती तो उनके साथ ही चला जाता। जाओ दादी से मिलाओ, वो तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल बना रही है। दादी, दादी। सुबू बेटा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या बना रही हूँ, तुम्हारा फेवरेट एप्पल पाए। एप्पल पाए? वाओ दादी, थैंक यू। जब तक तुम्हारा एप्पल पाई बन रहा है तब तक एप्पल खाओगे? हाँ दादी, मुझे एप्पल बहुत पसंद है। अच्छा दादी, आपको पता है क्या मम्मी कहाँ गई है? मुझे ना एक पतंग चाहिए थी, तो मैंने सोचा मम्मी के साथ लेने जाऊंगा। तुम्हें पतंग चाहिए तो उसमें मम्मी के लिए क्यों रुकना, दादू है ना। जाओ दादू से जाके पूछो, वो आज घर पर ही हैं, दोनों जाके ले आओ। प्रणाम दादू। जीते रहो बेटा। आप चलेंगे मेरे साथ पतंग लेने? अरे बेटा आज पूजा है ना घर में, और कल मेहमान भी आने वाले हैं, हम बाद में चलते हैं ना। मम्मी होती तो वो मेरे साथ जरूर चलती। मम्मी कब आएगी वापस? अच्छा चलो हम पतंग लेने चलते हैं। सच्ची? मुच्ची। चुप सा रहता खोए हुए, फिर तुम लहराए मेरे पास आए, उड़ते उड़ते अपनी डोर से यादें तुम लाए। खुशियाँ जीवन के तुम बरसाए। सुबह मुझे मम्मी की याद आ रही है, उन्होंने मुझे 12 दिनों से कॉल नहीं किया। बेटा वो देखो सुंदर है ना, तुम्हारी मम्मी वहाँ गई है, उतनी ऊपर, मम्मी वहाँ से हम सबको देख रही है। यादें तुम लाए। पापा आप पतंग को उड़ाना और मैं मांझे से खींचूंगा। पापा पापा पापा।